आस्तीनों के नाग हैं हर पल रहते संग, पता नहीं कब काट ले सदा बदलते रंग। सावन पावन चल रहा है नाग पंचमी आज, सबका मंगल हो सदा पूरन हो सबका आज। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। 2023 में नाग पंचमी कब है और इसकी पौराणिक कथा क्या है? नाग पंचमी एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। इस साल यानी 2023 में नाग पंचमी कब है, इस दिन का महत्व और शुभ मुहूर्त क्या है? नाग पंचमी का पर्व पूरे देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल नाग पंचमी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ती है। इस साल नाग पंचमी 21 अगस्त यानी 21 अगस्त 2023 सोमवार के दिन पड़ रही है। हर महीने पंचमी तिथि के देव नाग की पूजा की जाती है, लेकिन श्रावण मास में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी को नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन नाम देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उनको दूध से स्नान भी कराया जाता है, साथ ही कई जगह पर उन्हें दूध भी पिलाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नागों का दर्शन होना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में नाग को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। पंचमी तिथि शुरू हो रहा है। 21 अगस्त 2023 रात 12:20 पर पंचमी तिथि समाप्त होगा। 22 अगस्त 2023 रात 2:02 पर सावन का महीना शिव पूजा के लिए विशेष माना गया है। भोलेनाथ की आराधना इस माह में करना सबसे उत्तम होता है। ऐसा माना गया है कि इस माह में नाग देवता की पूजा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा। मान्यता है कि सावन मास की पंचमी को नाग ब्रह्मा जी के पास मिलने के लिए गए थे तथा उस दिन नागों को श्राप से मुक्ति मिली थी। उसी दिन नागों का पूजन करने की परंपरा आरंभ हुई। वराह पुराण के अनुसार इसी दिन सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने अपनी कृपा से शेष नाग को अलंकृत किया था और लोगों ने पृथ्वी का भार धारण करने के सेवा लेने पर नाग देवता का पूजन किया था, जो उसी परंपरा से आज भी किया जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान कृष्ण ने वृंदावन में विशाल नाग कालिया को परास्त करके लोगों का जीवन बचाया था। उन्होंने सांप के फन पर नृत्य किया और वह नाग नैथ्या कहलाए। मान्यता है कि तब से नागों की पूजा करने की परंपरा चली रही है। ऐसा करने से जहां नाग वश में रहते हैं, वहीं भगवान शिव के गले में नागों की माला होने से मनुष्य को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। वासुकी नाग को समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया गया था। लोक धर्म में नागों का जिक्र अर्धमानव के रूप में मिलता है। यह भी मान्यता है कि हमारे पूर्वज सर्प के रूप में अवतरित होते हैं। सर्पों की माता सुरसा के नाम पर मनसा माता के मंदिर भारत में अनेक स्थानों पर है, जहां पूजन करने से जीव की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिरों में नाग पंचमी के दिन नाग मूर्तियों को पंचामृत से स्नान कराने की परंपरा है। पौराणिक कथा मान्यता के अनुसार एक के दो बेटे तथा एक पुत्री थी। एक दिन हल चलाते समय उसने सांप के तीन बच्चों को हल से रौंद कर मार डाला। नागिन बच्चों के उसने बदला लेने के लिए रात को जाकर किसान की पत्नी और उसके दोनों बेटों को डस लिया। अगले दिन वह उसकी बेटी को डसने गई तो किसान की बेटी ने उसे मीठा दूध पिलाया तथा
अपने माता पिता को माफ करने के लिए प्रार्थना की। नाग माता प्रसन्न हुई तथा उसने सभी को जीवन दान दिया। बेटी ने हर साल नाग पंचमी के दिन पूजा करने का वायदा किया। कहा जाता है कि जो नाग देवता की पंचमी को पूजा करता है उसकी सात पीढ़ियों की रक्षा नाग देवता करते हैं। तो भक्तगण, ये थी नाग पंचमी से जुड़ी जानकारी, प्रस्तुति। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी प्राप्त करने के लिए, कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामना। एक बार प्रेम से बोलिए, नाग देवता की जय।